मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी गंदम की कीमत के हवाले से कि क्या गंदम की कीमत वाकई 3,000 रुपये मुकर्रर कर दी जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज भी वक्त पर मिलती रहें। काशकर भाई, इस वक्त सोशल मीडिया पर गंदम की कीमतों के हवाले से एक खबर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है कि गंदम की कीमत 3,000 रुपये मुकर्रर कर दी जाएगी और यह कीमत सरकारी सतह पर मुकर्रर की जाएगी। तो इस खबर को लेकर काशकर भाई बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त ज़रिए अजनास की मार्केट बहुत बुरी तरह मुतासर हुई पड़ी है और ज़रिए अजनास के रेट कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़रिए अजनास की जो डिमांड है उसमें भी कमी हो रही है। काशकर भाई, इस वक्त जो अपनी फसल हार्वेस्ट करते हैं तो उनकी फसल का या तो गाहक नहीं मिलता, अगर गाहक मिलता है तो उसका रेट बहुत ही कम लगाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब ज़रिए अजनास की जो पैदावारी लागत है उसमें इजाफा हो रहा है, रोज बा रोज खाद स्प्रे और डीजल के रेटों में भी इजाफा हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में जब रेट कम होंगे तो काश्तकार भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इन्हीं सारे सूरत हाल में अब ये खबर भी आ गई है कि गंदम की कीमत 3,000 रुपये मुकर्रर कर दी जाएगी। तो इस खबर में क्या सदाकत है, क्या सच्चाई है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये खबर मनगढ़ंत है, इस वक्त तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी खबर नहीं आई और ना ही ऐसा होने वाला है कि आने वाले दिनों में गंदम का रेट 3,000 रुपये मुकर्रर कर दिया जाए, बल्कि बहुत ज्यादा ख्याल ये किया जा रहा है कि जो गंदम का पिछले साल रेट था यानी कि 3,900 रुपये या 4,000 रुपये, यहाँ तक ही गंदम का रेट इस साल भी मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम रेट नहीं होगा क्योंकि इस वक्त जरी जो पैदावार की लागत है उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।